हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन तिवारी और स्वागत करता हूं आपका निर्माण जीएस एकेडमी चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए शानदार अजब गजब टॉपिक लेके आए हैं जो है पॉलीगन यानी कि बहुभुज। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको आज कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम पॉलीगन के बारे में समझते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि पॉलीगन यानी कि बहुभुज होता क्या है। ठीक है, तो पॉलीगन की हेडिंग लगा लेंगे आप लोग, क्या है पॉलीगन बहुभुज। इसकी हेडिंग लगा लेंगे आपका बहुभुज। ठीक है, तो बहुभुज पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि बहुभुज होता क्या है। ठीक है, तो बहुभुज वह बंद आकृति होती है जिसमें कम से कम तीन भुजाएं हों या उससे ज़्यादा भुजाएं हों। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बंद आकृति होती, पहले कैसी होती है आकृति, ये आकृति आपकी बंद होती है। ठीक है, जिसमें कम से कम तीन भुजा होती हैं, कम से कम तीन भुजा होती हैं और या तीन से अधिक भुजा। ठीक है, ये तीन पॉइंट देखिएगा आप लोग। पॉलीगन एक ऐसी बंद आकृति है जिसमें कम से कम तीन भुजा हो और तीन से अधिक भुजा हो। तो पहला क्वेश्चन कभी आपका ये बन सकता है, अगर पूछे कि बताइए कि पॉलीगन में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भुजाएं हो सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तीन से अधिक भुजाएं हो सकती है, मतलब अनंत हो सकती है। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा भुजाओं की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा भुजाएं आपकी अनंत हो सकती हैं, लेकिन कम से कम भुजा आपकी तीन हो सकती है, तीन से कम भुजाओं वाली आपकी ये बहुभुज नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये आपका सीखा। अब देखो बहुभुज होता कितने प्रकार से है, तो बहुभुज दो प्रकार का होता है। पहला है आपका रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन मतलब नियमित बहुभुज। दूसरा होता है इरेगुलर इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन वो कहलाता है जिसमें सभी भुजाएं समान हो। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन मतलब नियमित बहुभुज वो कहलाता है जिसमें सभी भुजाएं समान हो। छोटा सा एग्जांपल, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो कह सकता हूं कौन सा बहुभुज है, वो रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, कैसा है आपका रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब बात करते हैं इरेगुलर पॉलीगन मतलब आपका अनियमित बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर ना हो, मतलब भुजाएं बराबर ना हो। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर ना हो, ये हो सकता है, या दो भुजाएं बराबर ना हो, तीसरी भुजाएं बराबर ना हो, ऐसा। मतलब देखिए, जैसे आपका विषमबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा बराबर नहीं होती है, ऐसा मैं ले लेता हूं। मान ले जैसे ये एक्स हो गई, दो भुजाएं आपकी क्या हो गई दोस्तों एक्स, और तीसरी भुजा आपकी वाई हो गई, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इरेगुलर पॉलीगन हो जाएगा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर नहीं है। सभी भुजाएं बराबर होंगी, भले दो भुजा बराबर है, एक भुजा बराबर नहीं है, तो कैसा है आपका अनियमित बहुभुज है, इरेगुलर पॉलीगन है। यदि सभी भुजाएं बराबर होती, ये भी एक्स हो जाता, तो कैसा हो जाता है, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, बस ये बात छोटी सी बात थी इसकी, मतलब ये ध्यान रखना है इसमें, बस थोड़ा सा समझने की बात यह है कि आपका नियमित बहुभुज वो कहलाता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, और अनियमित बहुभुज वो कहलाता है जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो, या दो भुजाएं बराबर हो, तीसरी भुजा बराबर ना हो, तो मतलब सभी भुजाएं बराबर आपकी ना हो। ठीक है, अब आते बहुभुज समझने से पहले आपका ये आता है कि बहुभुज में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो बहुभुज में जो क्वेश्चन आपके बनते हैं कि इनके आंतरिक कोणों का योग क्या होता है। ठीक है, इनके आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, ये आपको पूछा जाए कि मतलब बहुभुज में इनके आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, ये आता है। ठीक है,
तो आपको पता है, देखो दो चीज़ें होती हैं, कोई भी आप बहुभुज बहुभुज बनाओ, जैसे बहुभुज मैं बनाता हूँ कोई भी, मतलब जैसे मैं त्रिभुज बना लिया, ये भी एक बहुभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी, ध्यान रखिएगा, ये त्रिभुज ले लिया ए बी सी, ए आंतरिक कोण मतलब इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पास आपका दो एंगल बन रहे हैं, देखो ये दो एंगल बन रहा है, एक एंगल आपका ये, एक एंगल आपका ये, ठीक है। तो ये भी एक एंगल बन रहा है, ये और ये भी एंगल, ये जो अंदर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, जो अंदर साइड बन रहा है वो आंतरिक कोण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आंतरिक कोण कहलाते हैं। जो बाहर बनते हैं ये जो बाहर बना ये कोण क्या है, ये वाला कोण, ये और ये सभी क्या है आपके, बाह्य कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो अभी हम केवल आंतरिक कोणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आंतरिक कोण। तो इसमें पूछता है बहुभुज में आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अब यदि मैंने त्रिभुज बनाया तो मुझे तो पता है त्रिभुज, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है, ध्यान समझिएगा, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैंने ये चतुर्भुज बनाया, ठीक है, इसमें जो है देखा जाए तो त्रिभुज में 180 बनता है। तो चतुर्भुज की बात की, जब मैं चतुर्भुज में एक लाइन खींच दिया तो आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक त्रिभुज ये, ठीक है, चतुर्भुज में मैंने एक लाइन खींच दिया बीच से एक विकर्ण, तो दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, तो ये इसमें 180 बना और इसमें 180 बना, तो इसमें आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, दो बार 180 है मतलब 2 × 180, ठीक है, ये आया चतुर्भुज हो गया। यदि मैं पंचभुज बनाता, पंचभुज जिसमें पांच भुजाएं हो पंचभुज कहलाता है, पांच भुजा 1, 2, 3, 4, 5, ये पंचभुज है, इसमें देखो कितने त्रिभुज आपके क्रिएट हो रहे हैं, इसमें 1, 2, 3, मतलब इसमें 180 बना, इसमें 180 बना, इसमें 80, आंतरिक कोणों का योग क्या होगा आपका, 3 × 180 होगा, ध्यान समझिएगा दोस्तों, ठीक है। अब यदि मैं षष्ठभुज बनाता हूँ, 6 भुजाओं वाली आकृति, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजा बना, अब इसमें आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, इसमें कितने त्रिभुज क्रिएट हो रहे हैं, एक इससे मिला दिया, एक इससे मिला दिया, एक इससे मिला दिया, 1, 2, 3, 4, 4 त्रिभुज बन रहे, मतलब इनके आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, 4 × 180, ठीक है। हालांकि अगर मैं बात करूं इसमें सूत्र क्या होता है, इनके आंतरिक कोणों का योग निकालने का जो सूत्र होता है आपका होता है n-2 × 180, क्या होता है दोस्तों, n-2 × 180 होता है। यहाँ n का जो मतलब होता है, n का मतलब होता है भुजाओं की, n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या, n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या, ठीक है। तो n-2 × 180 आपका क्या होता है दोस्तों, इनके आंतरिक कोणों का योग होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है। लेकिन ये सूत्र निकलता सब आपको इसी से निकलता है, कैसे, इसको मैं 180 को नहीं लिख सकता, 1 × 180, 180 मतलब इसमें कितनी भुजाएं थी आपकी, 3 भुजा थी, तो मतलब 3 में 2 घटाने पर 1 आया, आया कि नहीं आया, तो मतलब 3 क्या था, नंबर ऑफ साइड्स, 3 भुजा थी, 3 भुजा में 2 घटाने पर 1 आया, तभी तो गुणा हुआ, इसमें कितनी भुजाएं थी, 1, 2, 3, 4, तो 4 में 2 घटाने पर क्या था, 2 और 180 था, तो 4 क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, n-2 × 180, ध्यान रखिए सब यहीं से फार्मूले बनते हैं आपके, 3 कैसे आया, 5 में 3 घटाने पर 3 आएगा, 5 में 2 घटाने पर 3 आएगा, यहां भी बन गया n-2 × 180, ठीक है। 4 कैसे आया, 6 में 2 घटाओ तो 4 आता है, ये भी बन गया n-2 × 180। तो यहाँ पर जो आपके फार्मूला जो क्रिएट हुआ है आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करने का, तो आपका वो सूत्र है n-2 × 180 डिग्री, ठीक है। मतलब यहाँ पास n जो है भुजाओं की संख्या में 2 का आप घटा के सब्ट्रैक्ट करके 180 से गुणा करा दे तो आप बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुभुज आपका कैसा भी हो, चाहे आपका नियमित बहुभुज हो, चाहे आपका अनियमित बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, सभी का आंतरिक कोणों का योग इस फॉर्मूले के तरीके का प्रयोग करके आप कर सकते हैं, ठीक है। कितनी भी बड़ी आकृति हो, कितनी भी बड़ी, इस चीज का ध्यान रखिए, कितनी भी बड़ी आकृति हो आप उसमें से इसका निकाल सकते हैं, कितनी बड़ी आकृति। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए 10 भुजा वाली आकृति के आंतरिक कोणों
का योग फाइंड करिए, आंतरिक कोणों का योग निकालिए, आंतरिक कोणों का योग याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, आंतरिक कोणों का योग याद कीजिए, दस भुजा वाली आकृति के आंतरिक कोणों का योग याद कीजिए। मुझे पता है यदि आंतरिक कोणों को निकालना है तो n माइनस टू इंटू 180 करते हैं, n माइनस टू इंटू 180 करते हैं तो n बराबर कितना दिया, 10, तो 10 में 2 जाएगा इंटू 180 डिग्री, तो आपका कितना आ गया, आपका ये 10 में 2 गया 8 बुढ़े 8 तो 18 आपका होता है 144। तो आंतरिक कोणों का योगफल कितना आ गया दोस्तों, 1440 डिग्री आ गया, कितना आ गया दोस्तों 1440 डिग्री। तो यही तरीका कोई भी मतलब भुजा हो, यदि आपसे पूछा जाए 12 भुजाओं वाली आकृति के आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, तो 12 में 2 घटाएंगे 10, 10 गुणे 180 कितना है आपका, ठीक है, और 180 घटाएंगे तो आपका 1800, ठीक 1800। अगर कुछ भी भुजा हो, मतलब आपकी कोई भी भुजा में 2 को घटाना है और 180 से गुणा करा देना है, तो आप आंतरिक कोणों का योग याद कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी अब ये आई है कि मैंने योग तो निकाल लिया, ठीक है, मैंने योग याद कर लिया, आंतरिक कोणों का योग निकाल लिया। अब मुझे पता होना चाहिए, मुझे एक कंडीशन ये कहती है, यदि आपका नियमित बहुभुज है, नियमित बहुभुज को सम बहुभुज भी बोलते हैं, यदि आपका सम बहुभुज है, ठीक है, तो प्रत्येक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिख लीजिए इसको, प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर होंगे, ठीक है। एक चीज और, आप लोग यदि पढ़ रहे हैं इसको, देख रहे हैं, तो आप नोट्स जरूर बना लें, क्योंकि ये जो डेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको हर जगह ये आपको डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए बहुत ही अच्छी और बहुत जरूरी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग इसकी नोट्स बना लिए, हर जगह नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो प्रत्येक आंतरिक कोण जो आपके होते हैं बराबर होते हैं किसमें, नियमित बहुभुज, मतलब सम बहुभुज, सम बहुभुज में जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, तो सभी आंतरिक कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पास है, आप आंतरिक कोण निकालने का भी फार्मूला होता है, यदि मैं सभी कोणों का योग निकाल लूँ आंतरिक कोणों का, उसमें से भुजाओं का जितनी भुजाएँ होंगी उतनी आंतरिक कोण होंगे, ठीक है, भुजाओं की संख्या का भाग दे दूँ तो प्रत्येक आंतरिक कोण निकालेंगे, क्या निकालेंगे दोस्तों, प्रत्येक आंतरिक कोण निकालेंगे, ठीक है, प्रत्येक आंतरिक कोण निकल आएंगे यदि मैं योग में भुजाओं की संख्या को डिवाइड कर दूं, योग में संख्या घटा दूं, किसकी, भुजाओं की, ठीक है, योग में भुजाओं की संख्या घटा दूं, आपको प्रत्येक आंतरिक कोण निकल आएंगे, ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे आपका जैसे त्रिभुज होता है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, अगर मैं सम त्रिभुज, ठीक है, आपका समबाहु त्रिभुज होता है, उसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो मुझे पता है तीन भुजाएं होती तो 180 में तीन का डिवाइड करके 60 डिग्री आ गया, मतलब समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं प्रत्येक आंतरिक कोण, ठीक है, यही होता है। जैसे वर्ग मतलब आपका वर्ग चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी इसको कहते हैं ये सम बहुभुज है, तो सम वर्ग के सभी कोणों का योग कितना होता है, सभी प्रत्येक आंतरिक कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब मुझे निकालना है 90 डिग्री कैसे आए, तो मुझे पता है तो वर्ग में चार भुजाएं होती हैं, तो चार में दो घटाएंगे 18 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 360, तो 360 है तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितने होंगे, बटे चार कर देंगे तो 4 9 36 कितने आए दोस्तों, 90 डिग्री आए। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक आंतरिक कोण निकाल सकते हैं किसी भी आकृति का, किसी भी आकृति नहीं, मतलब आपका नियमित बहुभुज होना चाहिए, ठीक है, नियमित बहुभुज होगा तो आप प्रत्येक आंतरिक कोण निकाल सकते हैं, जो फार्मूला मैंने बताया है, योग n माइनस टू इंटू 180 अपॉन n, ठीक है। जैसे कोई भी आकृति हो, यदि आपसे बोल देता 10 भुजा वाला सम बहुभुज है, 10 भुजा वाला सम बहुभुज है, ठीक है, जिसकी 10 भुजाएं हैं, तो प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा, प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है इसमें, तो मुझे पता है सम बहुभुज सभी बराबर भुजाएं होंगे, तो प्रत्येक आंतरिक कोण मतलब आपका योग निकालेंगे, तो योग 2 घटाएंगे तो 2 घटाएंगे 8 आया गुणे 180, योग निकल आया इसमें कितनी भुजाएं 10 है, तो 10 का भाग दे देंगे तो आपका कितना आ गया 18 144,
तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री होंगे आपके, 144 डिग्री होंगे, ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। तो ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, यदि आंतरिक कोण की बात करता हूँ तो आप प्रत्येक आंतरिक कोण समबाहुभुज में बराबर होते हैं, जबकि विषम बहुभुज में बराबर नहीं होते हैं, समबाहुभुज में होते हैं। और आंतरिक कोणों का योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है n-2 × 180 होता है, ठीक है। n-2 × 180 होता है। तो चलिए अब ये दूसरी हेडिंग लगा देंगे आप लोग, दूसरी हेडिंग है आपकी बाह्य कोण की, क्या है दोस्तों, बाह्य कोण, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए बाह्य कोण, बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखिए बाह्य कोण क्या होता है, तो बाह्य कोण आपका मैंने बताया था जो आकृति के बाहर साइड कोण बनता है, ठीक है, वो बाह्य कोण कहलाता है। जैसे मैंने त्रिभुज में बताया था अभी, बाह्य कोण क्या होता है आपका, ये आपका ये जो कोण बना है क्या बाह्य, ये जो कोण बना क्या ये बाह्य, ये कोण जो बना आपका क्या है ये बाह्य। तो आंतरिक कोण तो अंदर बनते, जो बाह्य कोण होते हो आकृति से बाहर बनते, ठीक है, बाह्य कोण कहलाते। तो बाह्य कोण से कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी बाह्य कोण का योग पूछता है, क्या पूछता है दोस्तों, बाह्य कोण का योग आपका पहला इसमें क्वेश्चन बनता है, योग क्या होगा, ठीक है, सम निकालना पड़ता है, ठीक है। और इसमें पूछता है प्रत्येक बाह्य कोण कितने होंगे, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण। अब प्रत्येक बाह्य कोण तब पूछेगा जब आपका कैसा होगा, सम बहुभुज होगा, ठीक है, सम बहुभुज में पूछेगा। योग आपका किसी में ही पूछ सकता है, सम हो या विषम हो, ठीक है, योग आपका किसी में पूछ सकता है, सम हो या विषम बहुभुज हो। और प्रत्येक बाह्य कोण आपका सम बहुभुज में पूछेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे प्रत्येक आंतरिक कोण आपके सम बहुभुज में बराबर होते हैं, वैसे प्रत्येक बाह्य कोण भी आपके सम बहुभुज में बराबर होते हैं। आप छोटा सा एग्जाम्पल त्रिभुज का ही ले लीजिए, जैसे समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज तो आपका सम बहुभुज है, ठीक है। तो इसमें देखो बाह्य कोण, अब मुझे पता आंतरिक कोण 60-60 डिग्री के होते हैं समबाहु त्रिभुज में, कितने कितने के होते हैं 60 डिग्री, तो बाह्य कोण कितने का होगा, बाह्य कोण देखो ये सीधी लाइन है तो 180 डिग्री बनाएगा, तो बाह्य कोण 120 डिग्री, यहाँ भी बाह्य कोण आपका 120 डिग्री, यहाँ भी बाह्य कोण आपका 120 डिग्री। तो समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखो क्या है इसमें, कैसे इसको ध्यान रखना है इस चीज़ को, तो यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग कि बाह्य कोण का योग क्या होता है, बाह्य कोण का आपका योग क्या होता है। तो एक चीज़ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नोट्स जिसको आप लिख लीजिए नोट्स, ठीक है, ये नोट्स ये है, कोई भी बंद आकृति हो, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी बंद आकृति हो उसका बाह्य कोण का योग, उसका बाह्य कोण का योग हमेशा 360 डिग्री का होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कोई भी आकृति हो उसका बाह्य कोण का योग हमेशा 360 डिग्री का होता है, ठीक, हमेशा, ठीक है। आपका आंतरिक कोण बदल सकते हैं लेकिन बाह्य कोण हमेशा 360 डिग्री, कोई भी बंद आकृति हो, ठीक है। कैसे होता, क्यों होता, देखिए इसको मैंने प्रूफ करके बताते हैं अपन, क्यों होता है ऐसा। अब देखिए क्यों होता है, यहां पर ध्यान रखिएगा, जैसे मुझे भुजाएं, एक चीज और देखिए, कोई भी मैंने आकृति ले ली, चलिए मैंने त्रिभुज ले लिया ABC, ठीक है, त्रिभुज ले लिया, तो मैं जानता हूं त्रिभुज की बात करता हूं, तो आपको पता बाह्य कोण और आंतरिक कोण मिलकर क्या बनाते हैं आपके, बाह्य कोण और आंतरिक कोण, एक नोट शॉर्ट डाल लीजिएगा, जो बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण प्लस प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर होता है 180 डिग्री। इस चीज को ध्यान रखिएगा, प्रत्येक बाह्य कोण प्लस प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये सीधी सरल रेखा है, इसमें 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान, यहां भी आपका 180 डिग्री बनेगा, यहां भी आपका 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, यदि मैं देखूं तो यहां कितने 180 डिग्री पड़ रहे हैं, 1, 2, 3 पड़ रहे हैं, मतलब जितनी भुजा होंगी उतनी 180 डिग्री पड़ रहे हैं। तो कितनी भुजाएं इसमें, n भुजा है, तो n कितने 180 डिग्री पड़े,
एन 180 डिग्री पड़े, इस चीज़ का ध्यान रखें। कितने 180 बने आपके, एन भू जाती तो एन आपके 180 बने, ठीक है। अब बात करते हैं, मुझे पता है ये टोटल युग कोण आ गया कि सभी कोणों का योग निकल आया। अब इसमें आंतरिक कोण और बाह्य कोण को जोड़ूं तो आपका एन इंटू 180 आएगा, तो यहाँ पास आंतरिक कोणों का योग निकालूंगा, आंतरिक कोणों का योग क्या होगा तो एन माइनस 2 इंटू 180 आएगा। आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू 180 प्लस यहाँ पर बाह्य कोण का योग निकालो जो हमको पता नहीं, तो मानता क्या माना है वो बाह्य कोण का योग क्या है दोस्तों, x है, ठीक है। अब यहाँ से 180 गुणा करा तो आपका है 180 n गुणे n, इसके से गुणा हो तो क्या 18 दूनी 36 360 प्लस x बराबर n गुणे 180, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, कट गया 360 वहाँ गया तो आपका आया 360 प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमने जाना, ठीक है, मैंने प्रूफ भी कर दिया है लेकिन आपको ये सब करने जरूरत नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि पर बाह्य कोण की बात करें तो कोई भी बंद आकृति हो सभी बाह्य कोणों का योग क्या होगा 360 डिग्री हो, कोई भी बंद आकृति हो, ठीक है। चलिए यहाँ से हमने ये सीखा, कोई भी बंद आकृति हो उनके बाह्य कोणों का मान क्या होगा 360 डिग्री होगा योग, ठीक है। अब देखो बाह्य कोण तो हो गया, लेकिन यदि बहुभुज है तो बहुभुज में आपको पता है प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होते हैं, बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होते हैं, तो प्रत्येक बाह्य कोण निकालना बहुभुज में तो आपको हमेशा 360 डिग्री में n को भाग देना, n क्या है आपकी भुजाओं की संख्या, n क्या है भुजाओं की संख्या, ठीक है। कोई भी बहुभुज यदि आपको प्रत्येक बाह्य कोण निकालना तो हमको पता 360 डिग्री टोटल होता है, उसमें भुजाओं की संख्या को डिवाइड कर दूंगा तो आपके प्रत्येक बाह्य कोण निकल आएंगे। तो ये दूसरा फार्मूला आपने जाना, ठीक, इसको भी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए हुआ आपका, अब लास्ट है जो पॉलीगन में आता है, लास्ट टॉपिक जिससे क्वेश्चन आते हैं वो है विकर्णों की संख्या, ठीक है। अभी केवल मैं आपको बता रहा हूँ इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं और इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ क्या क्या इसमें सूत्र आपके प्रयोग होते हैं, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए आप, बाह्य विकर्णों की संख्या, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए विकर्णों की संख्या। नंबर ऑफ डायगोनल, ठीक है। अब विकर्णों की संख्या की बात की जाए तो पहला आप बताइए विकर्ण क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो विकर्ण ऐसी रेखा होती है जो किसी भी आकृति में, ठीक है, जो किसी भी आकृति में उस बिंदु से अपने एक बिंदु को छोड़कर अगले बिंदु से मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है आपकी, विकर्ण कहलाती है। जैसे कोई भी आकृति, जैसे मैं ले लेता हूं आपका ये ए बी सी डी, ये आपका चतुर्भुज ले लिया, इस वर्टेक्स इस बिंदु को शीर्ष को छोड़कर अगले शीर्ष से मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। कोई भी ले लो आप, इसको छोड़ के फिर अगले से मिल जाएगी, इसको छोड़ के अगले से मिल जाएगी, कहलाती है, ठीक है। केवल अपने पड़ोसियों को छोड़ती बाकी फिर आपको मिलती जाती, तो विकर्ण कहलाती है, ठीक है। तो विकर्णों की संख्या क्या होती है फाइंड करेंगे, तो विकर्णों की संख्या जैसे अभी चतुर्भुज था, छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा आकृति, हमने जल्दी झट से बना लिया विकर्ण, तो आपके विकर्ण निकल आए, ठीक है। विकर्ण कितने होते, दो होते, थोड़ी सी बड़ी आकृति में होता तो आप फंस जाते, विकर्णों की संख्या निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसलिए हम विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं फाइंड करेंगे, ठीक है। हालांकि विकर्णों की संख्या निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है n माइनस 3 अपॉन 2, जहां की n क्या है आपका नंबर ऑफ साइड्स है, भुजाओं की संख्या जो है n है, तो उसमें रख देंगे आप विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन आपके माइंड में आना चाहिए सूत्र हमने कैसे लगा दिया, क्यों लगा दिया, तो सूत्र निकलता है आपका किससे, सूत्र निकलता है आपका संचय से, संचय आपने दो पढ़ा होगा, क्रमचय और संचय किसी ने पढ़ा होगा, और जो नहीं पढ़े तो थोड़ा सा बता देता हूँ हिंट के रूप में, ये एक टॉपिक होता है क्रमचय और संचय, ठीक है, इस माध्यम से ये सूत्र बनता है क्रमचय और संचय से। तो यहाँ पर संचय का प्रयोग हुआ है, ठीक है, संचय का प्रयोग मतलब यहाँ पर संचय का जो फार्मूला होता है आपका NCR क्या होता है दोस्तों, NCR जो क्रमचय का फार्मूला होता है NPR, ठीक है, इन दोनों में अंतर क्यों है, क्यों संचय का प्रयोग किया है, तो संचय में इसलिए प्रयोग किया है, संचय में क्या होता है, इसमें आपका क्रम का महत्व नहीं होता, किसका महत्व नहीं होता दोस्तों, क्रम का महत्व नहीं होता है, और क्रमचय में आपका
क्रम की इम्पोर्टेंस होती है, क्रम का महत्व होता है, क्रम का महत्व होता है, क्रम का महत्व अब मैं आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है। जैसे चार बिंदु दिए हैं ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ भी चार बिंदु दिया है ए बी सी, चार बिंदु दिया ए बी सी डी। अब बोल रहा है इनमें इनमें दो बिंदुओं को मिलाकर कितनी रेखा बना जा सकती है, किन्हीं भी दो बिंदु को लेना है उनसे मिलाकर कितनी रेखाएं आप बना सकते हैं। तो इसमें क्रम का महत्व तो ये है कि दो बिंदुओं को लेकर कितनी रेखाएं आप बना सकते हैं, ठीक है, क्रम का महत्व तो नहीं रहता, सॉरी। इसमें क्रम का महत्व तो नहीं रहता, क्रम आपका नहीं देखा जाता, ठीक है। तो ए भी चार चार बिंदु है तो किन्हीं दो बिंदुओं से मिला के कितनी रेखा बनाई जा सकती है। तो जैसे मैंने ए बी ले, ए बी से एक रेखा बन गई, ठीक है, ए बी ले लिया, ठीक है, बी सी ले लिया, बी सी से एक रेखा बन गई, ठीक है, सी डी से एक रेखा बन गई, ठीक है, ऐसे ही सी डी से फिर आपका ए सी से रेखा बनेगी, फिर आपका ए डी से रेखा बनेगी, ऐसे रेखाएँ बनती जाएंगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे तो इसमें क्रम का महत्व तो इसलिए नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर क्रम का महत्व हो जाएगा, जैसे मैंने ए बी से एक रेखा बनाई तो एक रेखा बी ए से भी बन जाएगी। देखो ए यहाँ था, बी, अब बी यहाँ आ गया ना, तो ये भी एक काउंट हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ होगा ए बी से गई, बी से रेखा बनाई, फिर बी से ए करने पर ये काउंट नहीं होगा, आपकी ये संचय में ये काउंट नहीं होता, एक ही बार काउंट होता है। ए से बी बन गया मतलब आपका ये काउंट हो गया, ठीक है। यहाँ ए से बी रेखा बनी, फिर बी से ए रेखा बनी, ये भी इसको भी काउंट कर लेगा, इसलिए इसका प्रयोग नहीं होता। क्योंकि आपकी विकर्णों की संख्या में देखिए ना, विकर्णों की संख्या क्या है, आप देखिए इस चीज़ के ध्यान से देखिए, विकर्णों की संख्या है ये कहलाती है। तो रेखा ही तो बना रहा दो पॉइंटों को मिला के, ठीक है। तो यहाँ पास आपका ए सी गया, तो ए सी से एक बार जब काउंट होगा विकर्ण, तो क्या सी ए को मानता है, ए सी और सी ए एक ही विकर्ण है, ठीक है। तो इसलिए ये संचय का इसमें प्रयोग हुआ है। तो कैसे प्रयोग होता है ये जानिए आप लोग। तो आपने आपको पता चला क्रमचय और संचय में संचय क्यों लिया गया है, क्योंकि ए सी को एक बार काउंट करिए, सी ए भी विकर्ण है और ए सी भी विकर्ण है, बी डी भी विकर्ण है और डी बी भी विकर्ण है। अगर हम क्रमचय का प्रयोग करते तो ए सी और सी ए दो बार काउंट कर लेता है, ठीक है, इसलिए क्रमचय का प्रयोग नहीं किया गया है। अब देखो कैसे निकालना है इसमें क्रमचय संचय का। तो ध्यान रखिए कि संचय में आपको जैसे निकालना है, मैं छोटा सा जैसे मैं यही ले लेता हूँ, चतुर्भुज का एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर उदाहरण लिया मैंने, एग्जांपल लिया चतुर्भुज का। इसमें फार्मूला लगता है एनसीआर का। तो संचय के बारे में देखा था, तो संचय में क्या एग्जाम्पल यूज करते, एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक चतुर्भुज का एग्जाम्पल लेता हूँ, संचय में कितनी, इसमें दो बिंदुओं से आपके क्या बनेंगे, दो बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है चतुर्भुज में, ठीक है। तो इसमें जो फार्मूला यूज होता है एनसीआर, ठीक है, एनसीआर मतलब चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, ठीक है, और कितनी कितनी दो कितने कितनी बिंदु से, दो चार बिंदु हैं, दो बिंदु से आपको लाइन बनाना, ठीक है, दो बिंदु को मिला के कितनी लाइनें बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पास होगा, इसका फार्मूला होता है एनसीआर का, फैक्टोरियल एन अपॉन आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो एन बराबर आपका चार दिया है तो फैक्टोरियल चार, बटे आर बराबर दिया है टू तो फैक्टोरियल टू, एन माइनस आर मतलब चार माइनस टू, बराबर आपका आएगा चार। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, चार गुड़े तीन गुड़े दो गुड़े एक, ठीक है, आपको प्रोडक्ट कराना है डिक्रीमेंट करके एक तक, ठीक है। दो का हो गया आपका दो गुड़े एक इंटू चार में दो गए आपका आया दो दो गुड़े, ठीक है, तो यहाँ से ये तो कट गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पास आपका आया चार गुड़े तीन बटे दो, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ है, तो यहाँ पास अगर मैं चार तीन बारह दो का भाग दूँ छः आता है, ठीक है, तो यहाँ पास अगर देखा जाए तो आपका आएगा अब छः, तो मतलब कितनी आपके यहाँ पास बनाई जा सकती है दोस्तों, तो यहाँ पास कितनी बनाई जा सकती है, तो छः। तो चतुर्भुज में दो भुजा, यदि मैं चार बिंदुओं से दो बिंदु को मिलाऊं तो आपकी छह रेखा बनाई जा सकती है, कितनी बनाई जा सकती है छह रेखा। लेकिन आपको ध्यान रखना छह रेखा में आपकी भुजाएं भी काउंट है, किसकी भुजाएं छह, क्योंकि यहाँ पर चतुर्भुज में आपकी भुजाएं भी काउंट हो गई हैं, विकर्ण तो दो होते हैं, तो छह आया मतलब छह में आपके चार भुजाएं भी काउंट हो गई हैं। तो भुजाओं को क्या करूंगा दोस्तों, माइनस करूंगा, क्या करूंगा भुजाओं को माइनस, तो भुजाएं कितनी होती चार, तो विकर्णों की संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, दो आ जाएगी, विकर्णों की संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, दो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो टोटल आती है, क्या संख्या आपकी टोटल आती है, मतलब आपकी चार बिंदुओं में दो बिंदुओं को मिलाकर आपकी छह रेखाएं बनाई जा सकती है टोटल, ठीक है, जिसमें से आपकी चार भुजाएं भी हटें, जबकि भुजाएं आपकी विकर्ण नहीं होती, तो भुजाओं को माइनस कर दूंगा जिससे आपकी विकर्णों की संख्या आ गई। देखो क्या इसमें फार्मूला कैसे बनता है, इसका
यहां पर दोस्तों क्या है, ये जो चार है, चार तो आपका क्या है, नंबर ऑफ साइड भुजा है। तीन कैसे आए, तीन आया एन माइनस, भुजा में एक घटाने पर तीन आया बटे दो। ठीक है, अगर मुझे विकर्णों की संख्या निकालना है, विकर्णों की संख्या निकालना है, तो मैं बताया था इसमें से वह चीज आएगी जो आपका टोटल, टोटल आएंगे इसमें तो कुल आएंगे, लेकिन टोटल विकर्ण तब होंगे, आपका विकर्ण तब होंगे जब भुजाएं माइनस कर दूंगा, तो एन को मैं माइनस कर देता हूं इसमें, तो जो आपका आएगा एन स्क्वेयर माइनस एन, ये टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, टू एन अपॉन टू। ठीक है, बराबर यहां से माइनस कर देंगे एन स्क्वेयर, तो ये आपका आ जाएगा थ्री एन अपॉन टू, एन कॉमन निकाल लो तो एन एन माइनस थ्री अपॉन टू। ये देखो, ये विकर्णों की संख्या क्या आ गया दोस्तों, सूत्र आ गया। यही बताना चाह रहा था मैं कि आपका जो फार्मूला है एनसीआर से निकलता, संचय से निकलता है। ठीक है, बाय द वे आप कभी भूल जाओ, कभी आप फार्मूला भूलो विकर्णों की संख्या क्या, तो आप डायरेक्ट निकालो ये इसको, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए फार्मूला। ठीक है, तो इसमें आप भुजाओं से निकाल लेंगे बट्टे दो करके, इसमें टोटल आएगा, फिर भुजाओं की संख्या को माइनस कर देंगे, इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हालांकि सूत्र यहीं से बनता है, एन एन माइनस थ्री अपॉन टू जो विकर्णों की संख्या, लेकिन आप कभी भूल गए इस फार्मूले को तो आप डायरेक्ट इसमें एनसीआर के प्रयोग से निकाल सकते हैं। एनसीआर में आपके टोटल आएंगे जिसमें भुजाएं भी काउंट होंगी, फिर भुजाओं को माइनस करके आप विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, ये रहा इतना बड़ा तरीका, लेकिन आपको इतना ज्यादा यूज नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है विकर्णों की संख्या का सूत्र होता है एन एन माइनस थ्री अपॉन टू। ठीक है, चलिए दोस्तों, जैसे इसमें थोड़ा सा एग्जांपल ये भी लेते हैं, जैसे आपसे बोले विकर्णों की संख्या बोला है, जैसे आपकी आकृति 10 हो, 10 आकृति है, ठीक है, सॉरी 10 भुजा वाली कोई भी आकृति हो, 10 भुजा वाली कोई भी आकृति, विकर्णों की संख्या का सूत्र दोनों के लिए, जब ये सम बहुभुज हो चाहे विषम बहुभुज हो, कोई भी आकृति हो, तो 10 भुजा वाली कोई आकृति, तो विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ एन बराबर कितना दिया है 10, तो 10 गुणे 10 में 3 गए 7 बटे 2, 2 पंचे 10, तो कितना गया दोस्तों 535 आया। ऐसे निकाल सकते हैं, यदि आपकी भुजाओं की संख्या 12 हो तो विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो 12 गुणे 12 में 3 घटाएंगे 9 आया, बटे 2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा, जैसे 12 है, 12 में कितने विकर्णों की संख्या, तो 12 गुणे 12 में 3 घटाए तो 9 आया, बटे 2, 2 छक्का 12, 9 छक्का 54, तो विकर्णों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 54 आ गई। ठीक है, ये था आपका तरीका आज बहुभुज में, आपका पहला आपने सीखा आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करना, दूसरे में सीखा आपका बाह्य कोणों का योग ज्ञात करना, बाह्य प्रत्येक बाह्य कोण का योग निकालना, ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालना, और तीसरे में सीखा विकर्णों की संख्या निकालना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं इससे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन करेंगे हम, तो सर पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर लगा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी बहुभुज के, सॉरी पहला क्वेश्चन है, एक बहुभुज जिसकी भुजाएं 15 है तो विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बहुभुज है जिसकी भुजाएं 15 है तो विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, बहुभुज है जिसमें भुजाओं की संख्या कितनी दी है, 15 दी है, तो विकर्णों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, विकर्णों की संख्या निकालना है। अब मैंने बताया था फार्मूला n n माइनस थ्री अपॉन टू, तो मतलब आपका 15, 15 में 3 का क्या आया 12 अपॉन, तो आपका 90 आया, तो मतलब विकर्णों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों, 90 आएगी। ये फार्मूला बहुत ही इजी है, n n माइनस थ्री अपॉन टू, विकर्णों की संख्या की बात किया, तो आप यही तरीके से विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपका, एक ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं 20 हो तो विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं 20 हो तो विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पास आपका बहुभुज है, सॉरी भुजाओं की संख्या 20 है तो विकर्णों की संख्या है, इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है 150 दिया है, सभी लोग लगाएं और कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर बताएं। मैं ऑप्शन रखता हूं, और बी ऑप्शन दिया है 170, सी दिया है 180, और डी दिया है आपका 160। सभी लोग लगाएं, यदि भुजाओं की संख्या है 20 तो विकर्णों की संख्या क्या होगी, और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दें। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क टाइप है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी लगा लिए इसका आंसर दें। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या 54 हो
तो उसके भुजाओं की संख्या क्या होगी ये फाइंड करना है। यदि किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या 54 हो तो उसके भुजाओं की संख्या निकालना है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब बोल रहा है विकर्णों की संख्या, अभी अब भुजाओं की संख्या नहीं दी है, अब बोल रहा है यदि विकर्णों की संख्या आपका दी है 54, यदि विकर्णों की संख्या 54 दी है तो n का मान निकालना, मतलब भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो मुझे पता है सूत्र तो यही मालूम पड़ा है n n माइनस 3/2, ये विकर्णों की संख्या सूत्र होता है, लेकिन जिसका मान दिया है 54 दिया है, कितना दिया दोस्तों 54 दिया है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं इनको गुणा करा के, लेकिन इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन रख सकते हैं, जैसे ऑप्शन दिए हैं आपके 6, 7, 9, 12, चार ऑप्शन दिए हैं इसमें, 6, दूसरा ऑप्शन दिया है 7, सी ऑप्शन दिया 9 और लास्ट ऑप्शन है 12। अब डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, जैसे अगर मैं 6 रखता तो 6 में 3 गए 3 आता, तो आपका 3 त्रिकाई ना हो जाता, 54 नहीं आता। यदि मैं 7 रखता 7 में 3 गए 4, 2 दुनी 4, 14 आता, इससे भी नहीं आता। यदि मैं 9 रखता 9 में 3 गए 6, तो 2 × 3 = 9 = 27, इससे भी नहीं आता। अगर 12 रखता 12 में 3 गए 9, 2 × 6, देखो 12 से आ जाएगा 12 में 3 गए 9/2, 2 × 6 = 12, 9 × 6 = 54, मतलब कंडीशन आपकी क्या हो रही है, सही हो रही, करेक्ट हो रही, तो आपका जो आंसर होगा 12 होगा। ठीक है, यहाँ पास आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, आप इक्वेशन निकालना पड़ेगा, लेकिन आप डायरेक्ट रखेंगे तो जल्दी आ जाएगा। आप 12 रखें तुरंत आपका 54 जो है आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या 14 है तो उसके भुजाओं की संख्या क्या होगी। यहाँ पास भी विकर्णों की संख्या 14 दिया है, मतलब n n-3/2 = 14, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। यहाँ भी ऑप्शन दिए हैं 3, 5, 7, 9, 3, 5 और 7 और 9, चार ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो यहाँ भी डायरेक्ट ऑप्शन जगह 3 रखता तो 3 में 3 गए 0 हो जाते, कोई मतलब का नहीं। 5 रखता 5 में 3 गए 2, ये भी नहीं आता 14। 7 रखता 7 यहाँ आता 7 में 3 गए 4, 2 × 4 = 7 × 14, बिल्कुल यहाँ 7 रखने से आपका आंसर आ जाएगा 7 − 3/2, तो 7 × 4/2 7 × 14, मतलब आपका यहाँ पास 14 आ गया, यही आपका क्या दोस्तों आंसर। ठीक है, तो ये जो आपका 7 नंबर है वो आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं ऑप्शन से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न दिए गए कोणों में से कौन सा कोण किसी समबहुभुज का बाह कोण नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहां पास चार कोण दिए हैं, चार कोण कौन कौन से दिए हैं दोस्तों। एक आपका दिया है 120 डिग्री, बी नंबर दिया है 80 डिग्री और सी दिया है आपका 90 डिग्री और लास्ट दिया है 60 डिग्री। ठीक है, अब इसमें ये बोला है इन कोणों में से कौन सा कोण बहुभुज का बाह कोण नहीं हो सकता, कौन सा कोण बाह कोण नहीं हो सकता, बाह कोण नहीं हो सकता। ठीक है, आप मुझे भी ये बताइए कोई भी बहुभुज है तो क्या बहुभुज की भुजाएं दशमलव में होती हैं। आप कह सकते हैं इस आकृति में 2.5 भुजाएं हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं इस आकृति में 2.6 भुजाएं हैं। ठीक है, तो आपकी जो बहुभुज की संख्या है वो आपकी दशमलव में नहीं होती, मतलब आपकी इंटीजर वैल्यू होती है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होती है। तो यहाँ पास ये ध्यान रखना है कि बाह कोण भी आपका, बाह कोणों से आप भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं कैसे। ठीक है, तो आपको पता है क्योंकि 360 डिग्री आपको पता है प्रत्येक बाह कोण का मान क्या होता है दोस्तों, 360 डिग्री होता है, प्रत्येक बाह कोण का मान 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पास यदि आपका बाह कोण दिया 120 डिग्री दिया है तो 120 को मैं 360 से डिवाइड करूँगा तो आपका नंबर ऑफ साइड निकलेंगे, क्योंकि मैंने बताया था यदि आपको प्रत्येक बाह कोण निकालना तो भुजाओं की संख्या को डिवाइड करना पड़ेगा, भुजाओं की संख्या को डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक बाह कोण निकलेगा। यदि मुझे प्रत्येक बाह कोण निकालना है, भुजाओं की संख्या निकालना है, तो प्रत्येक बाह कोण को डिवाइड करना पड़ेगा, क्या डिवाइड करने का, प्रत्येक बाह कोण को डिवाइड करना पड़ेगा तो भुजाओं की संख्या निकलेगी। तो पहला अगर मैं 120 को डिवाइड करूंगा तो पूरा डिवाइड हो रहा 3 आ रहा है, मतलब ये आपका बाह कोण हो सकता है।
जो नंबर ऑफ साइड की वैल्यू फिक्स आ रही इंटीजर आ रही है, 80 को डिवाइड करूंगा तो आपका 0 0 कट गई, आपका डिवाइड हो रहा है बिल्कुल नहीं डिवाइड हो रहा है 800 को 32, 90 को डिवाइड करूंगा 90 डिवाइड हो रहा है, 60 को डिवाइड करूं 60, 80 से आप नहीं डिवाइड, 80 डिवाइड करेंगे आपका दशमलव में आ जाएगा और दशमलव में आपकी साइड्स नहीं होती, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि आपके जो भुजाएं हैं दशमलव में नहीं हो सकती है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन है, ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया है दिए गए कोणों में से किसी समबहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता, फिर से ऐसे ही क्वेश्चन दिया है, 40 दिया है पहला ऑप्शन, इसमें भी निकालना बाह्य कोण कौन सा नहीं हो सकता, बी नंबर दिया है 45 दिया है, सी दिया है आपका 50 और डी नंबर ऑप्शन दिया है आपका 60, ठीक है। अब इसमें से बोला है कौन सा बाह्य कोण नहीं हो सकता, तो मुझे पता है बाह्य कोण वो नहीं हो सकता जो 360 से पूरी तरह डिवाइड ना हो, 40 आपका पूरी तरह डिवाइड है बाह्य कोण हो सकता है, आपका 50 क्या डिवाइड है, बिल्कुल नहीं डिवाइड है, तो 50 आपका नहीं हो सकता, 60 भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, आपका ये भी डिवाइड हो जाएगा, आपका 45 को डिवाइड करूँ तो 360/45 करने पर भी डिवाइड हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32, 8 बार जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका सभी चीज़ों से 360 पूरी तरह डिविजिबल है लेकिन 50 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं है, अतः आपका 50 डिग्री जो है बाह्य कोण नहीं हो सकता है, ठीक है, इसी तरह हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दिया है निम्न में से कौन सा कोण किसी समबहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता है, ठीक है, इसमें भी सेम है बाह्य कोण नहीं हो सकता है, पहला ऑप्शन दिया है 25, दूसरा ऑप्शन दिया है 30, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका 35 और लास्ट ऑप्शन दिया है 55। अच्छा इसमें ये निकालना है किसी समबहुभुज का बाह्य कोण हो सकता है, ये फाइंड करना है बाह्य कोण हो सकता है ये निकालना, अभी तक क्या निकालते थे बाह्य कोण नहीं हो सकता है, अब निकालना बाह्य कोण हो सकता है कि नहीं, तो बाह्य कोण होगा तभी जो आपका ये 360 से पूरी तरह डिविजिबल होगा, तो आपका यहाँ पर सबसे कौन दिख रहा है पूरी तरह डिविजिबल, आपका 30 दिख रहा है, ठीक है, 30 जो है आपका 360 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो बाह्य कोण कौन सा होता है 30 हो सकता है, बाकी आपकी कोई भी कोण जो है 360 को पूरी तरह डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहाँ आपका जो आपका बाह्य कोण होगा बी नंबर हो सकता है, ठीक है, 360 से क्योंकि पूरी तरह ये डिविजिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्न में से कौन सा कोण किसी समबहुभुज का आंतरिक कोण हो सकता है, ठीक है, अब यहां पर आंतरिक कोण की बात की है, अभी तक बाह्य कोण हो सकता है नहीं हो सकती ये देखते थे, ठीक है, अब कौन सा आंतरिक कोण हो सकता है, तो पहला ऑप्शन दिया है 100, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका 120, तीसरा दिया है आपका 145 और चौथा दिया है 152 डिग्री, ठीक है, तो इसमें ये निकालना है आंतरिक कोण हो सकता है, ठीक है, आंतरिक कोण निकालना है दोस्तों, आंतरिक कोण कौन सा हो सकता है ये ऑप्शन में, तो मैंने बताया था कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है, अभी मैंने बताया था आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो बताइए इसका बाह्य कोण क्या निकलेगा, 100 है तो 80 होगा, दोनों को योग 180 होती है, यहाँ बाह्य कोण 80 होगा, इसका बाह्य कोण कितना निकलेगा दोस्तों, इसका बाह्य कोण निकलेगा आपका ये 35 डिग्री निकलेगा, ठीक है, इसका बाह्य कोण कितना निकलेगा, इसका बाह्य कोण निकलेगा आपका 60 डिग्री निकलेगा, ठीक है, और इसका बाह्य कोण निकलेगा कितना दोस्तों आपका 28 डिग्री निकले, ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें से ये पूछा है कौन सा कोण आंतरिक कोण हो सकता है,
तो देखिए मैं यहाँ पास आंतरिक कोणों से बाह्य कोण निकाल लिया हूँ, ठीक है। अब मुझे ये पता है अब इसमें से कौन सा कोण बाह्य कोण हो सकता है। यदि मैं ये निकाल लिया कौन सा कोण बाह्य कोण हो सकता है, वही कोण भी आपका आंतरिक हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बाह्य कोण होगा तभी तो आपका आंतरिक कोण होगा, ठीक है। अगर बाह्य कोण तभी होगा जब वह 360 से पूरी तरह डिविजिबल होगा, तो बताइए आपका 360 को पूरी तरह डिवाइड कर लेगा, नहीं करेगा। करेगा तो पॉइंट में भुजाएं आएंगी और बहुभुज में दशमलव में भुजाएं नहीं होती हैं, ठीक है। आपकी इंटीजर वैल्यू होती है। 35 को डिवाइड करूंगा ये भी दशमलव में आएगा, 28 भी दशमलव में आएगा, लेकिन आपका 60 जो है 360 को पूरी तरह डिवाइड कर देगा, मतलब आपकी भुजाएं की संख्या बिल्कुल एक्यूरेट आएंगी, तो यही आपका आंतरिक कोण भी होगा। तो आपका जो आंतरिक कोण होगा 120 डिग्री हो सकता है, ठीक है। यही आपका तरीका है। आपको आंतरिक कोण की बात करें तो आपको बाह्य कोण पर फोकस जरूर करना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कौन सा कोण किसी समबहुभुज का आंतरिक कोण हो सकता है। ये इसमें भी यही वाली बात की है, आंतरिक कोण हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया 170, दूसरा ऑप्शन दिया है 115, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका 132 और लास्ट ऑप्शन दिया है 168। तो कौन सा आपका आंतरिक कोण हो सकता है। तो पहले बाह्य निकाल लेता हूँ। इसका बाह्य क्या निकलेगा, 70 है तो 10 डिग्री होगा बाह्य। कितना होगा दोस्तों, इसका बाह्य कोण 10 डिग्री है जो 360 को पूरी तरह डिवाइड कर देगा, तो आपका 170 ही आपका आंतरिक कोण हो सकता है, बाकी आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहीं से आपको निकाला है, बाह्य कोण कितना आया, 10 डिग्री आया जो 360 को पूरी तरह डिवाइड कर देगा, मतलब यही आपका क्या है, आंतरिक कोण होगा। और भी निकाल के देख सकते हैं, और भी डिवाइड नहीं होंगे आपके, यही आपका पहला ही ऑप्शन चेक होगा, ठीक है। तो कभी भी आपकी आंतरिक कोण पूछे तो बाह्य कोण पर जरूर फोकस करना, बिना बाह्य कोण के आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि आंतरिक कोण होगा कि नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है निम्न में से कौन सा कोण किसी समबहुभुज का आंतरिक कोण नहीं हो सकता है। यहां पर क्वेश्चन चेंज कर दिया है, अब बोला है आंतरिक कोण नहीं हो सकता है। अभी तक हमने क्या जाना, आंतरिक कोण हो सकता है, अब आंतरिक कोण नहीं हो सकता ये फाइंड करना है। तो आंतरिक कोण वही नहीं होगा जिसका बाह्य कोण 360 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पास आपका आंतरिक कोण जो ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है 150, दूसरा ऑप्शन दिया है 120 डिग्री, तीसरा दिया है आपका 140 डिग्री और लास्ट दिया है 155 डिग्री। तो ये आंतरिक कोण नहीं हो सकता। तो पहले मैं बाह्य कोण फोकस करूँगा, तो इसका बाह्य कोण निकलेगा 30 डिग्री जो कि आपके 360 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो ये आंतरिक कोण हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 120 डिग्री का बाह्य कोण होगा 60 जो 360 से पूरी तरह डिविजिबल है, ये भी आपका आंतरिक कोण हो सकता है। 140 डिग्री की निकलेगा आपका बाह्य कोण क्या निकलेगा, 40 निकलेगा जो आपको 360 से पूरी तरह डिवाइड कर सकता है, ये भी आंतरिक कोण नहीं हो सकता, ये भी आंतरिक कोण होगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या देखना, आंतरिक कोण नहीं हो सकता, तो ये 155 वाला आपका सही हो जाएगा क्योंकि तीन ऑप्शन आपके गलत है, चौथा ऑप्शन आपका अपने आप सही हो जाएगा, ठीक। आप चेक भी कर सकते हो, इसका आपका 360 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इसके जो आपके शेष क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर जल्द ही आएंगे। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, या यदि आपको दिल से अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, ठीक है। और जो दोस्त हमारे फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद। We'll be right back.